नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी रण अब पूरी तरह से सज चुका है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सियासी दिग्गजों के दौरे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जमकर हुंकार भरी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने मणिपुर, महंगाई और प्रधानमंत्री के बयान को लेकर जमकर निशाना भी साधा। प्रियंका ने प्रदेश सरकार को भी तमाम मुद्दों पर घेरा और ग्वालियर चंबल की धरती से प्रदेश के लोगों के लिए 6 गारंटी की घोषणा की, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया, महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपये की गारंटी देने की बात हुई, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की गारंटी हुई, 100 यूनिट बिजली फ्री में देने की बात हुई और 200 यूनिट का बिल आधा करने की गारंटी की बात हुई, किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की भी गारंटी दी गई है। उधर बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी आलाकमान की नजर मध्य प्रदेश पर है। कर्नाटक में मात खाने के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अमित शाह के साथ जेपी नड्डा लगातार दौरे कर चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आएंगे और चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरूनिया और कांग्रेस से विधायक शशांक भार्गव जुड़ गए हैं। हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले जरा सुन लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने कैसे सरकार पर निशाना साधा और शिवराज सिंह चौहान ने उसके जवाब में क्या कहा। भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। तो इन चीजों का समाधान क्या है? आज शर्म की बात है, शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई, उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज्यादा। आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ मेरे पास निकालती हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें, और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए, कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की, संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की,
और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने सवा साल में वो भी वापस लौटा दिए थे और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना। इस वक्त हमारे दोनों मेहमान जुड़ गए, घनश्याम पुरुनिया जो कि दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, शशांक भार्गव जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। घनश्याम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और एक बात पूछ रहा हूं। शिवराज जी कह रहे हैं कि मुस्कुराइए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, और प्रियंका कह रही है कि शर्म करो, क्या माने? भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, ये एक विद्वान मुख्यमंत्री हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा उन्होंने कायम की। उन्होंने कहा मुस्कुराइए, उनके भाषण में मैं भी सुन रहा था, प्रियंका गांधी जी के भाषण में झल्लाहट थी, घबराहट थी और बड़ा उतावलापन था, और हमारे नेताओं के बयान में ना घबराहट होती, ना झल्लाहट होती और ना उतावलापन होता है। हम बड़े धीमे गति से, जो कहा हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के सबके विकास के लिए काम करते हैं। और तमाम सारी बातें उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए, ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया। अरे कांग्रेस तो आजन्म घोटालों में घुटी हुई पार्टी है। इनके ए टू जेड नेता, चाहे जब जब इनकी सरकारें नहीं और आज भी इनके परिवार पर तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने का काम करती है। अरे अपने गिरेवान को झांकें, अपने गिरेवान को देखें और दूसरों पर उंगली उठाएंगे, तीन तीन उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। और इसलिए इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर भ्रष्टाचार के, इनके नेताओं पर है, और ये हमको आईना दिखाने का काम करते हैं। तो मैं तो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप तो प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मध्य प्रदेश में सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, कांग्रेस को तो जनता नकार चुकी है और पुनः नकारने वाली है। नहीं, लेकिन घनश्याम जी एक बात बताइए, तमाम सारे जो आरोप लग रहे हैं, जैसे पटवारी परीक्षा में जो हुआ, वन रक्षक में जो हुआ, आप तो चंबल के नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुरैना में जो दिव्यांगों की भर्ती हुई तो एक ही जिले से 750 लोग सिलेक्ट हो गए, ये सवाल तो उठ रहे हैं ना। मैंने आपके साथ में भी काम किया है, है ना। और दूसरा ये है, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाने का है। मैंने कहा ना, इनके इनके कार्यकाल में क्या हुआ, इनको अपने कार्यकाल के सारे दस्तावेज खंगालना चाहिए। किस प्रकार से कांग्रेस के जमाने में लूट मचा लगी थी, और अभी 15 महीने की सरकार हमारे कमलनाथ जी की, जब आई थी मुख्यमंत्री बने थे वो, तब कैसी इन्होंने लूट मचाई थी, कैसे भ्रष्टाचार हो रहे थे, ये हमको सोचने विचारने की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी जी को चाहिए अपना घर संभाले, कांग्रेस को सुधारने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी पर न तो कटाक्ष करने की आवश्यकता है और न भारतीय जनता पार्टी को नहीं, तो क्या करें फिर, क्या करें? घनश्याम जी इनको बोले कि आप घर पर बैठो, आरोप मत लगाओ। नहीं नहीं, आरोप लगाएं, सिद्ध करें आरोपों को सिद्ध करें, और जनता अगर उसको स्वीकार करती है। आरोपों को कौन सिद्ध करेगा? आरोपों को तो सरकार सिद्ध करेगी, एजेंसी सिद्ध करेगी। नहीं नहीं, जनता सिद्ध करती है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये आरोप लगाएंगे हम, उनका जवाब जनमानस के बीच में जाकर जनता के सामने झोली फैलाकर जब वोट मांगेंगे और उनका जब आशीर्वाद मिलेगा, पुनः हमारी सरकार बनेगी, इनको समझ में आ जाएगी। शशांक जी क्या कहें, घनश्याम जी की बात को आपने सुना होगा गंभीरता से? घनश्याम जी की बात को मैंने बहुत गंभीरता से सुना। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कर लीजिए। कि आरोप लगाते हैं हम तो उसकी सत्यता आप बता दें। अभी हाल ही में विदिशा में एक 20 साल की बेटी ने सुसाइड किया। उस बेटी को ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जब वो थाने जाती है तो वहां पर बैठे हुए हेड कांस्टेबल कहते हैं कि तुम बेटी कॉलेज जाती हो इसलिए तुम्हें लोग छेड़ते, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। बेटी परेशान हुई, दूसरे दिन लोगों ने दबाव बनाया रिपोर्ट का, और एक किरार समाज का बेटा जो था हमारा, वो उसे छेड़ा करता था। वो
बेटा जो था है वो माननीय मुख्यमंत्री जी करीब है, उनके घर परिवार का साथी है, उसने छेड़ा, बेटी ने सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद उस पर केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। सुसाइड करने के बाद जब आंदोलन हुए तो उस पर केस रजिस्टर्ड हुआ, सिर्फ उस पर हुआ। सुसाइड नोट में 6 नाम लिखे थे, बाकी 5 लोगों पर आज तक FIR नहीं हुए। उसका पिता बेचारा न्याय मांग मांग के परेशान हो गया इनकी सरकार से। अंतोगत्ता उसने भी सुसाइड कर लिया और वो भी 3 नाम सुसाइड नोट में लिख कर गया। जब पिता ने सुसाइड किया तो प्रशासन ने देखा कि अब बवंडर होगा, तो जो बेटी सुसाइड नोट में नाम लिख गई थी 5, और उसमें से 4 के खिलाफ FIR कर दी। लेकिन आज तक वो परिवार न्याय मांग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन 3 लोगों के और नाम सुसाइड नोट में जो लिखे हैं उनके ऊपर FIR करो। जांच चल रही है। एक तरफ तो इनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि सुसाइड नोट में नाम लिखा है तो जांच करके आप अपराध कायम करो, डायरेक्ट जांच अपराध कायम कर दिए, और विदिशा में उसका उल्टा होता है तो ये द्वयम दर्जे का व्यवहार कानून में नहीं चलता। भाई साहब कह रहे हैं कि अपने गिरेवान में झांक के देखो, पटवारी परीक्षा में भाई साहब आप स्वयं अपनी गिरेवान में झांक के देखो कि एक ही परिवार के 15-15 लोग आप कर रहे हैं, एक ही परिवार के 10-10-15-12-12 लोग दिव्यांग हो रहे हैं, एक ही कॉलेज के 1000 लोग पढ़ कर पास कर रहे हैं। पहले अपनी गिरवान में देखें, इसके बाद हमारी नेता श्रीमती सोनिया जी के, श्रीमती प्रियंका जी के बारे में आप। घनश्याम जी, बड़ी तकलीफ की बात है क्योंकि आपको, आपने सुना होगा अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए देश के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि जो राज्यों की कानून व्यवस्था है उसको बेहतर होनी चाहिए, खासकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो मणिपुर में घटा वो दूसरे राज्यों में नहीं होने चाहिए। लेकिन जिसका जिक्र शशांक जी कर रहे हैं बड़ा गंभीर मामला है। क्या सजाती होने के बाद अपराधियों को इतना लाभ मिल जाता है? नहीं नहीं, जो अपराधी है अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है, कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। और आप देखेंगे कि वो जो अभी हमारे यहाँ दतिया के पास, करेरा के पास, पहाड़ी में एक अनुसूचित जाति की हमारी महिला सरपंच के साथ में कांग्रेस के लोगों ने अत्याचार किया अभी कुछ समय पहले, और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे अभी पहाड़ी में 3 दिन पहले महिला सरपंच को कांग्रेस के नेताओं ने मारा, हम पर आरोप लगा रहे हैं। और आप देखेंगे जो भी अपराधी है उन पर मामला पंजीबद्ध होता है, और मामला पंजीबद्ध होने के कारण उनको सजा का प्रावधान किया जाता है। हम किसी को बचाने का काम नहीं करते। और अगर जो अपराधी है अपराधी प्रवृत्ति के हैं उसको सजा मिले, उनके लिए काम किया जा रहा है, उनके लिए कानून बनाया, उनके लिए काम कानून के माध्यम से कार्रवाई हो रही है। कानून अगर होता है इस मध्य प्रदेश में तो अगर कमल का फूल लगा के रात पहुंच जाओ थाने, 354 करो, 302 करो, 307 करो, अपराध का आपके जमाने में होता होगा, कांग्रेस के जमाने में होता था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं होता है। और अगर कोई सरकार का काम करता है, कोई गड़बड़ी करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम। शशांक जी एक मिनट, शशांक जी एक मिनट, घनश्याम जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस लड़की ने सुसाइड नोट में तमाम लोगों का नाम लिखकर आत्महत्या कर ली है तो आपको नहीं लगता कि उन सभी के नाम पर FIR होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए? आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी जिनके नाम होंगे। अरे कब होगी कार्रवाई? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई। अरे अरे बताओ, कोई देख देख के थोड़ा करते हैं। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, होती भी है कार्रवाई। अब हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, ये अपराध मुख्यमंत्री जी के ऊपर बनता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उनको, उसके परिवार को मुझे लगता है कि हम एक मुद्दे पर निकल गए। चलिए वो बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन शशांक साहब आप मुझे बताइए कि चंबल संभाग में 34 सीटें हैं, प्रियंका गांधी ने आज वहां पर हुंकार भरी, और मैं देख रहा था तमाम तस्वीरों को
कि उनको जो रिसीव करने गए समाधि स्थल तक पहुंचे वो कमलनाथ थे, वो सीएलपी लीडर गोविंद सिंह थे और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ थे, अशोक सिंह वहां के स्थानीय नेता वो थे, बाकी सारे नेता सभा स्थल पर बैठे रहे, भाषण भी गिने चुने लोगों का हुआ। लेकिन जिस चंबल के में आपने उपस्थिति दर्ज की है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नहीं है कांग्रेस में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जवाब में अगर प्रियंका गांधी को वहां पर उतारा गया है, उनको एक संकेत देने की कोशिश की है, बूस्टर डोज कांग्रेसियों में लगाने की कोशिश की है, तो आपको लगता है कि वही परिणाम, क्योंकि यही वो चंबल है जिसने आपकी सरकार बनाई थी, उम्मीदें उसी के इर्द गिर्द रहने वाली हैं? देखो आप, ये जो बात आपने कही ये प्रायोजित बात कह रहे हैं आप, कि ये लेने गए और वो लेने गए, पार्टी का डिसिप्लिन नहीं। मैं प्रायोजित बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ साहब। नहीं नहीं, मैं तस्वीरों पे बात कर रहा हूँ। तस्वीरें देख के बात कर रहे हैं, लेकिन प्रायोजित बात है। नहीं, प्रायोजित बात क्यों है? प्रायोजित बात क्यों है जरा मुझे बताइए, प्रायोजित बात क्यों है? नकुलनाथ क्यों होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय कमलनाथ जी, जी वो और सीएलपी लीडर का तो प्रोटोकॉल बनता है, नकुलनाथ का प्रोटोकॉल बनता है। नकुल, मैं बता रहा हूँ आपको, नकुलनाथ जी एक सिंगल सांसद है इस मध्य प्रदेश के। अच्छा, इसलिए उनको, वो भी केंद्रीय लीडर है हमारी प्रियंका जी, उनको लेने गए। अच्छा, तो ये तो प्रोटोकॉल हो गया। और बाकी लीडर अगर वहां पंडाल में बैठ रहे तो ये एक डिसिप्लिन है कि उनको वहां बैठना चाहिए, इसमें तो कोई डिबेट की बात ही नहीं है। और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, बात करें अपन उसकी कि अब कितनी सीटें जीतेंगे और अब क्या हो रहा है चंबल में। चंबल में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, चंबल में गिद्धे को भी सीटें नहीं मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को। जो हालत आज कानून व्यवस्था की है, आपने जो, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा था, आपने कहा कि अब उसे बाद में करेंगे। अरे मेरे विदिशा जिले का मामला है और उस पर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता, तो फिर कैसा होता है वो बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जिस केस में स्वयं अपराधी है, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। एक नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जिसके संज्ञान में ये बात है कि इस पर एफआईआर होना चाहिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उन पर उन्होंने सेटलमेंट किया है, उन्होंने कलेक्टर साहब के यहाँ बुलाया, उन्होंने उनके यहाँ बुलाकर 10 लाख रुपए देकर उस मामले में ये लिखवा लिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी दोषी है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर एफआईआर। अच्छा, समझौता भी हो गया है क्या? मेरी जानकारी में था कि वो मेरी जानकारी में था कि जो दिवंगत जो स्वर्गीय लड़की है जो अब नहीं है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनकी माँ इस बात का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर बुलडोजर कब चलेगा, यहाँ पर तो बुलडोजर अभी तक नहीं चला है। नहीं, वो बातें सब खत्म कर दी। अरे मैंने विधानसभा में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मूतने वाले को 5 लाख रुपए दे रहे हैं और दो जानों की कीमत 5 लाख लगा रहे हैं, तो दूसरे दिन कलेक्टर साहब ने घोषणा कर दी कि 10 लाख रुपए देंगे। ये हालत इस मध्य प्रदेश में घनश्याम जी, ताकि उस पर बात करें। कहाँ सब हर पार्टी का लीडर आएगा घनश्याम जी? अरे चंबल चंबल में इस बार फिर से 26, जबलपुर संभाग में भी आएंगे, उनके लीडर भी चंबल एक्सप्रेस 26। चर्चा करने का विषय नहीं, चर्चा करने का विषय यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, हमारा प्रदेश कर्ज में डूब रहा है, उसकी स्थिति क्या है, रोजाना आप कर्ज लेके मलाई खा रहे और इसके बाद कह रहे हैं मैं लोगों की योजना पूरी करूंगा। 1000 रुपए देने की बात की आपने, कुछ लोगों को दी, सबको नहीं मिला, इसके बाद कह दिया मैं 3000 दूंगा। ये लफाजी की बातें करना माननीय मुख्यमंत्री जी बंद करें। अभी घनश्याम जी कि हमने शादी के पैसे दिए, 51,000 रुपए। मैं समझ गया शशांक जी, आपने जितनी भी बातें कहीं, जितनी भी बातें कहीं शशांक जी, बिल्कुल मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आपने जितनी भी बातें कही वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चली गई हैं, तो इसका जवाब तो ले लें घनश्याम जी से, घनश्याम जी से जवाब तो ले लें। अच्छा, हालत इनकी नहीं है, पूरी पूरी कांग्रेस पार्टी की यही हालत है, पूरी कांग्रेस पार्टी हड़बड़ाहट में है, पूरी कांग्रेस पार्टी जैसे शशांक जी घबरा रहे हैं ना, ऐसे ही घबराहट में है। अरे गंभीरता से बात करो, स्वतंत्रता से, शांति शांति रख के बात करो, और जो मुद्दे पे मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे रहो, मुद्दे पे। अब सुनो तो, आप आरोप लगा रहे हैं, ये सब आरोप लगाने से काम नहीं चलते।
आरोप लगाने से काम नहीं चलते। ये मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम पेंशन की मैं वो बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं आप सुने ना, आप सुने, आपकी सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में और केंद्र में, तब क्या हालत थी अपनी तो देखो, आपकी क्या हालत थी। नहीं नहीं आप सुनो, आपने कभी गरीबों का कल्याण नहीं करा, आपने कभी कभी किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए, आपने तो इंदिरा आवास आते से सुनो प्रधानमंत्री, इंदिरा आवास अंधा वादे रेवड़ी और तीन तीन कर दे, ये हालत थी आपकी। आपने गरीबों को और गरीब करने का काम किया, आपने कभी देश का और प्रदेश का हानि किया आपने, और आप कह रहे हो कि हमारे प्रियंका गांधी जी के आने से कुछ नहीं होने वाला। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से गरीबों का कल्याण करने का काम कर रही है, ये खाली गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, लोगों का कल्याण करने का काम चुकी महंगाई की बात करो, महंगाई भी चलेंगे और कांग्रेस के नेता ऐसे ही गला फाड़ते रहेंगे, ऐसे ही सीखते रहेंगे। चुनाव आ गए घनश्याम जी, चलाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप जिंदा जिंदा करके आप हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं, अरे मुझसे भी बात करो। अब आपने चुनाव आ गए, चुनाव आप भी सुनो, आपके भी सुनते। और मैंने कहा मनोज जी, इनके तो परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ भी बड़े नेता आते, हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री आते और सबको प्रोटोकॉल में मिलने का अवसर दिया जाता है। इनके यहाँ पर केवल बड़े लोगों को मिलने का अवसर मिलता है, छोटे लोगों को प्रधानमंत्री जी को नहीं मिल जाता है। चलिए लेकिन लेकिन इतना तो तय हो चुका है, इतना तो तय हो चुका है कि ये जो चुनाव विधानसभा का बहुत जोरदार होने जा रहा है। एक तरफ करीब 19 साल की सरकार बीजेपी की और उनके तमाम चेहरे, और कांग्रेस की जो जन आक्रोश महारैली आज ग्वालियर में हुई है उसमें संकेत दे दी गया है और 5 गारंटी भी दे दी गई है कि ये गारंटी है आप सरकार में लेकर आइए। लेकिन क्या की स्थिति होगी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम शुक्रिया करेंगे घनश्याम जी का, हम शुक्रिया करेंगे शशांक जी का जो हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।